देखिए इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आनंद मोहन का देहरादून में कितनी गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। किसी ने माला पहनाया तो किसी ने गुलदस्ता दिया तो किसी ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। साथ में लवली आनंद और उनके छोटे पुत्र अंशुमन आनंद भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में वो आनंद मोहन, लवली आनंद और अंशुमन आनंद कुर्सी पर बैठे हैं और दोनों तरफ से सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। एक तस्वीर फ्लाइट की भी है जिसमें एक ही रो में आनंद मोहन और लवली आनंद अपनी बेटी सुरवी के साथ नजर आ रहे हैं। शायद शादी के बाद सुरवी की ये दूसरी तस्वीर है जो कैमरे में कैद हुई है। एक बार तब सामने आई थी जब वो अपने पति राजहंस के साथ माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए पटना जंक्शन आई थी। आपको बता दें कि आनंद मोहन अपने विधायक बेटी चेतन आनंद के जनेऊ, सगाई और शादी के लिए 15 दिनों की पैरोल पर सहरसा जेल से बाहर निकले हैं। 24 अप्रैल को सगाई तो पहना स्थित आवास पर ही है, लेकिन जनेऊ और 3 मई को शादी देहरादून में ही संपन्न होगी। फिलहाल आनंद मोहन का पूरा परिवार चेतन आनंद के 16 अप्रैल के होने वाले उपनयन के लिए 2 दिनों पहले देहरादून गया है। ये सारी तस्वीरें खुद चेतन आनंद ने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया है। तब से आनंद मोहन के हजारों चाहने वालों ने कमेंट भी किया है और लगातार उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन की पैरोल चेतन आनंद की शादी से पहले ही खत्म हो रही है। ऐसे में ये उनके समर्थकों के जहन में ये सवाल है कि क्या उनकी पैरोल की मियाद बढ़ाई जाएगी या फिर चेतन आनंद की शादी से ठीक पहले वापस उन्हें जेल लौटना होगा। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।